शासन पर राजनीति शुरू हो रहा है, उसके अलावा स्वयं भी खरीद कर वो दे सकते हैं, सरकारी राशन पर क्यों? देखो स्वयं बराबर हाल 65 टन के ऊपर गई, अभी जो करीबन 80 टन तक जाएगी, गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, लोगों को वो देने के लिए पैसा नहीं, और हमने प्रेशर नहीं की, जिसको मुंह में लेना है वो मुफ्त में ले, जिसको पैसा देना है वो पैसा दे। घोषित पत्र में लिखा गया है 3.5 लाख कार्ड धारकों को, कार्ड धारक संख्या ही नहीं, कार्ड धारक 3.5 लाख नहीं, आपको पता मैं बताता हूँ क्लियर कर कि एक राशन कार्ड पे 4 लोग है, 5 लोग है, एवरेज कितने हो गए? 14-15 लाख लोग है। चलो 14-15 लाख लोग नहीं है, 4-5 लाख लोग तो अनाज लेते हैं, तो उनके लिए ये भी जरूरी है। जो आरोप कर रहे हैं उन्होंने भी अपना घर का मुफ्त में जाके लेके आए, 4 लोग गए, लाइन लगाया था वो बीच में घुस गए। अभी मेरे दोस्त है पत्रकार है कि जिनको और जिनको जिनके पास रेशन कार्ड नहीं है, करीबन 20,000 लोगों को ऐसा मुफ्त में अनाज बांटा गया है, और जिनके पास दोनों चीज नहीं है और रास्ते पे, उनके लिए दर दिन जीवदानी ट्रस्ट हो, जितेंद्र ठाकुर की जितने भी सहयोगी संस्था है, वसई के गुरुद्वारा से है, गाँव से है, लोगों को अनाज बना के दे रहे। मुझे अपोजिशन वाला बोलेगा कि मैं मेरे ऑफिस में आके तुम बांटो, तो उनके ऑफिस में जाके बांटेंगे। खासदार राजेंद्र गावित सीधे पे आरोप लगा रहे हैं, शिकायत लेकर जा रहे हैं कि कांदा और दाल रेशनिंग जो सरकारी डिपो के साइड में क्यों दिया जा रहा है, साइड में भी नहीं देना चाहिए, वहाँ से ही देना चाहिए। इसके अलावा मास्क ही सुना है कि बड़े बड़ी तादाद में आपने स्वयं खरीदा, आप लोगों ने मास्क ये था लोगों को, करीबन 10,000 के ऊपर हमारे यहाँ से गया, विरार से गया, प्रशासन को बोला कि जितना विवाह कॉलेज की जितनी बिल्डिंग है वो तुमको जो जो चाहिए वो मिलेगी, निधि दिया, MLA फंड दे दिया, अनाज दे रहे, अनाज बना के दे रहे, जिसको रेशन का है उसको रेशन पे पैसा दे रहे, जो अच्छे काम कर रहे अपोजिशन वाले वाले हैं 1,000 किलो धान्य दिया है, नाम नहीं लेता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। जिधर सब्जी मिल रही है वहाँ सब्जी दे रहे हैं, जो जो चाहिए जिधर अवेलेबल होता है, जो हमारे से अवेलेबल होता है कर रहे हैं। नमस्कार, सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आशा है आप सभी अपने घरों पर लॉकडाउन होंगे, इस पूरे माहौल पर महापालिका के निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और घरों में बैठ के कोरोना जैसे संक्रमण से लड़ाई लड़ रहे होंगे। अब आते हैं खबर पर। आज हमारे साथ एक ऐसा शख्स है जिसकी वाक्शैली और जिसकी बात प्रामाणिकता के साथ में सुनी जाती है, समझी जाती है, महानगर पालिका को लेकर हो और चाहे व्यवस्था को लेकर हो, लगातार इन्होंने उन विषयों को ही उठाया है जो वाकई में प्रामाणिक है। नाम है अजू पाटिल। आइए हम बातचीत करते हैं कि अभी तक महानगर पालिका और इस समय की जो व्यवस्था है प्रशासन की वो कितने कामगार रही है और कितना COVID-19 से लड़ने के लिए कौन कौन से काम बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ से और महानगर पालिका की तरफ प्रामाणिकता के साथ में हुए। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार सर, कितने काम हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ अलग अलग आरोप भी लगते रहे हैं, लेकिन फिर भी कौन कौन से ऐसे काम हैं जो वाकई में धरातल तक पहुंचे हैं और अभी लोग नहीं जान पाए हैं, तो कौन कौन से काम हैं COVID-19 से लड़ने के लिए जो अब तक शुरू हो चुके हैं? देखिए कि वेरी फर्स्ट डे से आमदार हितेंद्र ठाकुर इन्होंने गवर्नमेंट को बोला है, म्यूनसिपैलिटी को बोला है कि हमारी तरफ से, हमारे ग्रुप की तरफ से आपको जो भी हेल्प चाहिए जो भी वो मिलेगी, हमारे से नहीं, अपोजिशन वाले रहेंगे वो भी हमारे दोस्त है, वो भी आपको हेल्प करेंगे, और हर जगह कोई ना कोई हेल्प कर रहे हैं। तो इस हिसाब से पहला प्रॉब्लम आ गया है कि लॉकडाउन होने के बाद कि भाई जो मुंबई में काम करते थे सिस्टर नर्स, उनको गाड़ी की दिक्कत होने लगी, तुरंत वहाँ से फ़ोन आ गया है मेरे को नायर से, सिस्टर लोगों का कि हमारे को दिन का 500 रुपया पहले दिन खर्चा आया। तुरंत युवा आमदार क्षितिज ठाकुर ने सब जगह फोन किया, दूसरे दिन उनके जो आने जाने की सुविधा थी वो चालू हो गई मुंबई से बराबर। तो ऐसा है कि कोई अगर जानकारी दे और हम अगर किसी भी गवर्नमेंट को या ऑफिसर को कह दे तो वो काम तुरंत करना चालू कर देते हैं, लोगों ने कहना चाहिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इस बीच में सैनिटाइजर जो है कहा गया है, कई अभी अपार्टमेंट में सैनिटाइजर का छिड़काव नहीं किया गया या जो जंतुनाशकवाएं हैं उसका छिड़काव नहीं किया गया, इस पर क्या? देखो पहली बात तो ये है कि जहाँ से माल सप्लाई होता है वो सब जगह डिमांड होने के बाद कम हो गई, तो भी जहाँ हमें ऐसा लगा कि जहाँ पे म्युनिसिपैलिटी या गवर्नमेंट कम हो रही है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड हमने पर्सनल पैसे से लाया और सब जगह बांटा, चालू किया, लोगों को भी अपील किया कि आप भी करो, हर पार्टी को अपील किया है कि भाई तुम भी करो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसका ही लेना चाहिए उसका ही है। और जैसे गवर्नमेंट की मशीनरी, दूसरा ऐसा हो गया कि जो हमारे यहाँ कामगार आते हैं म्युनिसिपैलिटी के पास, वो कामगार आते हैं पालघर, सफाला, केलवा, ढानू, वहां से, अभी उनका लॉकडाउन होने के बाद क्या हुआ, गाँव के लोगों ने बोला कि भाई तुम गाँव के बाहर जाने का नहीं, तो आना
बंद हो गए, काम वाले कम हो गए। फिर हमारे यहाँ से पुरुष अपने सबको बताया कि भाई लोकल कोई होगा काम करने वाला तो बोलो। वैसे उनके जबान पे बहुत लोग आ गया है काम करने के लिए और काम चालू किया। अभी ये काम चालू होने के बाद प्रॉब्लम आ गई कि भाई रेशन का प्रॉब्लम आ गया, तो साहब ने तुरंत ऑफिसर को बोला कि भाई लोगों के पास पैसा नहीं है, राशन देना चाहिए और राशन देंगे तो आपका जो गवर्नमेंट का पैसा भरने का है वो मैं मेरी तरफ से भरूंगा और लोकनेता हितेंद्र ठाकुर की जो सहयोगी संस्था है वहां से वो पैसा देना चालू किया। राशन पर राजनीति शुरू, लगातार आरोप, और उसमें कहा जा रहा है कि जो राशन का भुगतान किया जा रहा है उसके अलावा स्वयं भी खरीद कर वो दे सकते हैं, सरकारी राशन पर क्यों? बराबर 65 टन के ऊपर गई, अभी जो करीबन 80 टन तक जाएगी, आंधा उतना ही गया, वो चालू किया देना लोगों को। और जो गवर्नमेंट तरफ से मिल रहा है लोगों को वो देने के लिए पैसा नहीं, और हमने प्रेशर नहीं किया है, जिसको मुख में लेना है वो मुख में ले, जिसको पैसा देना है वो पैसा दे। ये आरोप घोषित पत्र में लिखा गया है 3.5 लाख कार्ड धारकों को, कार्ड धारक की संख्या इतनी नहीं, कार्ड धारक 3.5 लाख नहीं, आप पता मैं बताता हूँ इसको क्लियर कर दीजिए कि एक राशन कार्ड 4 लोग है, 5 लोग है, एवरेज कितने हो गए 14-15 लाख लोग है। चलो 14-15 लाख लोग नहीं है, 4-5 लाख लोग तो अनाज लेते हैं, तो उनके लिए ये भी जरूरी है भाई ये पैसा तुम भरो। उन्होंने जिन देखो जो आरोप कर रहे हैं उन्होंने भी अपना घर का मुफ्त में जाके लेके आए, 4 लोग गए लाइन लगाया था वो बीच में घुस गए। अभी मेरे दोस्त है पत्रकार है, सब जगह घूम रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जिनको और जिनको जिनके पास राशन कार्ड नहीं, अभी तक करीबन 20,000 लोगों को ऐसा मुफ्त में अनाज बांटा गया है, और जिनके पास दोनों चीज़ नहीं है और रास्ते पे, इनके लिए दर दिन जीवदानी ट्रस्ट हुए, हितेंद्र ठाकुर की जितने भी सहयोगी संस्था है, वसई के गुरुद्वारा से है, वसई गांव से है, बराबर गवानकर उनकी टीम है, तो ऐसे जितने भी ग्रुप है जिन्होंने ये चालू किया है लोगों को अनाज बना के दे रहे, खाना बना के दे रहे डे टू डे, पूरे पुलिस स्टेशन पुलिस कर्मी है उनको अपने ग्रुप की तरफ से खाना जा रहा है, सिस्टर है सब, यानी सबको, रास्ते के जो है रोड पे घूमने वाले सबको दे रहे। पॉलिटिक्स कोई नहीं, जो आएगा हेल्प करेगा। अगर मुझे अपोजिशन वाला बोलेगा कि मैं मेरे ऑफिस में आके तुम बांटो तो उनके ऑफिस में जाके बांटेंगे, ऐसा कुछ ऐसा नहीं। खासदार राजेंद्र गावित सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं, लगातार वो पत्राचार भी कर रहे हैं, शिकायत लेकर जा रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि कांदा और दाल रेशनिंग जो सरकारी डिपो है उसके साइड में क्यों दिया जा रहा है, इस तरह के आरोप। साइड में भी नहीं देना चाहिए, वहाँ से ही देना चाहिए। अच्छा हाँ, क्योंकि लोगों को मुफ्त में दे रहा है, सबको अपॉर्चुनिटी है। अगर कल वो सोचेंगे, देखो उनको गुमराह किया गया है, उनको फैक्ट बताई नहीं गई है, बराबर है, क्या है फैक्ट उनको मालूम ही नहीं, क्या क्या हो रहा है। अच्छा, उनको ऐसा लग रहा है यानी उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो बताया जा रहा है वो गलत बताया गया है। एक ध्यान में रखो कि गरीब लोगों को अगर रेशन दुकान से अनाज मिल रहा है और वहाँ पे उन्होंने उनको उनका पैसा भरा जाता है, तो उधर दो चीज़ अगर मुक्त दी गई तो प्रॉब्लम किसको है? लेने वाले को तो नहीं है, जिसको प्रॉब्लम है वो नहीं लेगा, बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा एक भी किसी ने बताया नहीं। इससे आगे जाके जहाँ जहाँ जिसका कैपेसिटी है, हितेंद्र ठाकुर के कार्यकर्ताओं का जिनका जिनका कैपेसिटी है, वो अलग अलग चीज़ भी दे रहे हैं लोगों को। अच्छा, इसके अलावा मास्क भी सुना है कि बड़े बड़ी तादाद में आपने स्वयं खरीद के आप लोगों ने जैसे पहले चालू हो गए तो तुरंत मास्क चाहिए था लोगों को तो चालू किया। अभी प्रॉब्लम ये हो गया है कि उसका प्रोडक्शन बंद हो गया, करीबन 10,000 के ऊपर हमारे यहाँ से गया, विरार से गया, हितेंद्र ठाकुर के ग्रुप से, हमारे ग्रुप से गया, बराबर है। हितेंद्र ठाकुर ने जो जो बोला वो काम होते जा रहा है, वैसे सोपारा से गया, वसई से गया। तो एक ध्यान में रखो, आज नहीं जब टाइफाइड की साथ आई थी उस वक्त कैंप लेके हितेंद्र ठाकुर तब MLA नहीं थे 88 में, तो ग्रामीण गाँव में जाके कैंप लगा के उन्होंने वैक्सीनेशन किया था। अच्छा, एक चीज़ एक सीरीज़ बता दीजिए। अभी देखो मालूम पड़ा कि विवा कॉलेज दे दिया गया है कलेक्टर को कि अगर आइसोलेशन वार्ड के लिए या क्वारंटाइन के लिए ज़रूरत हो तो वो दे दिया जाए, तो कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके तरफ से प्रोवाइड कराई गई प्रशासन? देखो प्रशासन को बोला, देखो कि बहुत जगह ऑब्जेक्शन लिया अपोजिशन वाले ने कि ये क्वारंटाइन वाले हमारे नहीं चाहिए, यानी क्या है कि तुम्हारे ऊपर डाउट है, तुम मरीज नहीं है तो तुमको बाजू में रखने के लिए जगह बना रहे, तो प्रेशर किया अपोजिशन ने या किसी ने XYZ गलती की वजह से कि हमारे इधर नहीं चाहिए, इसलिए उनको बता दिया कि जितना विवाह कॉलेज की जितनी बिल्डिंग है या हमारे ग्रुप की जितनी है वो तुमको जो जो चाहिए वो मिलेगी, विद जो सामान चाहिए खाना पीना उसके साथ दी जाएगी, साथ में निधि भी दे दी।
निधि दिया, एमएलए फंड दे दिया, अनाज दे रहे हैं, अनाज बना के दे रहे हैं, जिसको रेशन का है उसको रेशन पे पैसा दे रहे हैं, जिधर सब्जी मिल रही है वहाँ सब्जी दे रहे हैं, जो जो चाहिए जिधर अवेलेबल होता है, जो हमारे से अवेलेबल होता है हम कर रहे हैं। हॉस्पिटल पे जरा हम तो ये भी बोल रहे हैं कि समझो जिसके पास रेशन का अनाज आया और बाजू वाले के पास अनाज नहीं है, तो तुम्हारे में से 1 किलो उसको बाजू वाले को तुम दे दो, तुम भी चैरिटी करो। बहुत अच्छा। और लोग कर रहे हैं, पूरे सोसाइटी वाले कर रहे हैं। समस्या आती है हॉस्पिटल्स की, देखो बड़ी समस्या है उसकी, तो बड़ी समस्या है। पूरे पालघर जिला है, बराबर है, पूरे पालघर जिला में सिर्फ वसई तालुका ही समस्या सुविधा दे रहा है, बराबर है। पालघर डानू के भी पेशेंट इधर आते हैं, वहाँ भी लोक प्रतिनिधि है, वहाँ के भी खासदार है। आप आरोप कर? ना, आरोप नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रॉब्लम है उनको भी। मेरा भाईंदर ने अस्पताल बनाया, गवर्नमेंट को देना पड़ा। ये हमारी बहुत छोटी नगर महापालिका है। हितेंद्र ठाकुर ने 1 वोट के ऊपर जब प्राथमिक स्कूल और अस्पताल मांगे थे, आज तक दिए गए नहीं है। गवर्नमेंट अभी किसकी गवर्नमेंट थी गए 10 साल में? उससे पहले कांग्रेस की, फिर भाजपा की, सबकी, जो चिल्लाने वाले हैं उनकी, लेकिन हम किसके नहीं, सब सरकारें। हर चिल्लाने वाले के साथ में तो आप लोग रहते हैं। देखो ये अस्पताल जो है छोटे छोटे है ना, 3 अस्पताल है, सबसे वसई तालुका में ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी किधर होती है? म्यूनसिपलिटी के अस्पताल में होती है। 20,000 में से 14,000 अप्रोक्सीमेटली वसी ये म्यूनसिपलिटी के अस्पताल में होते हैं। छोटे छोटे दवाखाने हर जगह है, जो लोगों को फैक्चुअल चाहिए। COVID-19 के लिए वहाँ व्यवस्थाएँ क्या? जहाँ ज़रूरत है वहाँ किया, और जहाँ अगर पेशेंट लगता है तो उनको कस्तूरबा में शिफ्ट करना पड़ता है। यहाँ ट्रीट नहीं तुम कर सकते, अगर पॉसिबल नहीं तो ही यहाँ पे ट्रीट करना। यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल से आपने बात नहीं की क्या उन लोगों? सब प्राइवेट हॉस्पिटल ने बोला कि हम तैयार है, लेकिन ये बात होती है जब तुम्हारा ये कोरोना का मरीज जाता है तो अस्पताल लॉक होता है दूसरे पेशेंट के लिए, बराबर है। रिद्धि विनायक वाले ने चालू किया, उन्होंने एक आइसोलेशन किया, सब अस्पताल में नहीं है अभी प्रॉब्लम, नहीं तो ये हो जाता है कि कोरोना के वजह से बाकी के पेशेंट को प्रॉब्लम चालू हो गए ना, तो वो भी हमें देखना है कि कोरोना से ज़्यादा मरने वाले लोग अन्य भी अन्य बीमारियों से भी है, तो ये सब हमें देखना चाहिए। तो अभी तक की व्यवस्था में हम इतना माने कि महानगर पालिका की तरफ से वो सारी चीज़ें की जा रही हैं जिसकी आपकी ताकत है और आपको जितना हो सकता है, जो जो हो सकता है महापालिका, देखो महापालिका यानी क्या, महापालिका रिक्वेस्ट करती है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। अभी उनको स्लीपर चाहिए थे, बराबर है, पहनने के लिए, सिस्टर डॉक्टर लोगों को, सब दुकान बंद है, तुरंत भेजे गए, जितने जोड़ चाहिए थे उतने सब जोड़ भेज दिए दुकान खोल के, पैसा मांगने कोई गया नहीं। और जो भी उनको लगता वो कोई पूछने भी नहीं जाता है, जहाँ जिसको बोलते हैं वहाँ से वो देते हैं, पैसा कोई मांगने को जाता नहीं, और सब डॉक्टर और सब अपनी कोशिश कर रहे हैं। आपसे एक आपके तरफ संदेश COVID-19 को लेकर महापालिका, क्योंकि अभी भी लॉकडाउन ख़त्म होने के लिए 14 तारीख अभी टाइम है, 10-12 दिन है, तो इसके लिए कोई संदेश आपकी तरफ से? लोगों को एक रिक्वेस्ट है, हमने हमारे कॉरपोरेटर को भी बोला है, गलत मैसेज, धार्मिक तेढ़ निर्माण करने वाले मैसेज कई लोग भेज रहे हैं, किसी ने फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गलत है, वो संभालना चाहिए कि उससे वो डेंजर है, धार्मिक डेंजर है, तो उसमें ध्यान देना चाहिए। और जब तक प्रॉब्लम है तब तक ये रेशन का अनाज बोलो, खाना बोलो, सब हितेंद्र ठाकुर की जितनी सहयोगी संस्था है, उनके ग्रुप है, वो सबकी तरफ से ये चालू रहेगा। जो जो चीज़ अवेलेबल होगी, अभी समझो प्याज और दाल मार्केट में कम है तो थोड़ा सा कम आ रहा है, तो किधर आगे पीछे होता है, कम ज़्यादा होता है, लेकिन जो चालू है वो कंटिन्यू चालू रहने वाला है, हर एक को अनाज मिलेगा। और किसी को अगर प्रॉब्लम होती है तो वो बताएं, जिसके पास रेशन कार्ड नहीं है उनके लिए भी जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ वहाँ सप्लाई दी जा रही है हितेंद्र ठाकुर के ग्रुप, इनके ठाकुर जी के ग्रुप से, जैसे आप है हमारे दोस्त है, अगर हमको हमने आपको रिक्वेस्ट की कि आपके घर के बाजू में ऐसे ऐसे आदमी है तो आप जाते हैं और हेल्प करते हैं। नहीं है मतलब। आपको बताता हूँ कि एक बड़े खासदार ने फ़ोन किया, 100 जगह आदमी प्रॉब्लम में, तुरंत गए उनको पूछताछ की और उनको हमारे रुपेश यादव जी को बताया कि ऐसे ऐसे जगह पे उनके घर में राशन पानी नहीं है। अभी सुबह उन्होंने जाके हमारे एक महापौर है उन्होंने वो देखे आए, तो ऐसा कुछ नहीं है। हितेंद्र ठाकुर जी को के दोस्त सब पार्टी के हैं, पूरे महाराष्ट्र पूरे भारत से है, और जहाँ ये हमारा इलाका ऐसा है कि पूरे भारत के लोग यहाँ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम वाले फ़ोन आते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हमारा प्रॉब्लम है, तुरंत
करते हैं। एक तो बताना नहीं चाहिए, हितेंद्र ठाकुर बताते नहीं है किन किन के काम किए, किन किन के फोन आए अपोजिशन वाले, लेकिन ये बात ये टाइम अपोजिशन वाला नहीं है, सब मानव धर्म का है और सबने ये काम करना चाहिए। गलती होती है तो तुरंत बताओ कि ये तुम्हारा गलत होता है। राशन पर राजनीति बहुत लोग कहते हैं, देखो राशन पर राजनीति करने वाले को करने दो, लोगों को जिनको लेना है वो ले रहे हैं, काय को राशन पे राजनीति करने का है। पूरे महाराष्ट्र में 288 आमदार है, इतने खासदार है, MLC है, किसी के दिमाग में नहीं आया क्यों डर रहे हैं, तो 2 रुपया 3 रुपया बोल रहे हैं, लेकिन टोटल क्वांटिटी कितनी होने वाली है, इतने लाख लोग होने वाले हैं राशन लेने वाले, तो ये उनको मालूम है इसलिए कोई नहीं कर रहा है। हितेंद्र ठाकुर कर रहे हैं क्योंकि आज से नहीं, बहुत पहले से करता है, कभी भी समस्या हुई वो खड़े रहते, गवर्नमेंट की तरफ देखते नहीं, गवर्नमेंट अपनी तरफ से अच्छा काम कर रही है दोनों सेंट्रल और ये। अभी भी मैं आह्वान करता हूँ आपकी माध्यम से, किसी को अगर प्रॉब्लम लगता है तो हमें अप्रोच करें, अगर हमारी कुछ गलती होगी हम सुधार देंगे, लोगों के लिए जो करना है हम करेंगे, अपोजिशन वाले के ऑफिस में बैठ के भी हम बांटेंगे, उनको मांगता है तो हम उनके लिए उनको बांटने के लिए भी देंगे, जो चाहिए सामान आएगा तो हम उनके, हमें कुछ नहीं है। देखो कोई भी करे लेकिन लोगों के लिए होना चाहिए, अगर वो बोलते हैं हमें सामान चाहिए हम उनको देंगे और दिया भी है, जो अच्छे काम कर रहे हैं अपोजिशन वाले हितेंद्र ठाकुर के अपोजिट वाले हैं उनको भी हितेंद्र ठाकुर जी ने हजारों किलो धान्य दिया है, नाम नहीं लेता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। ये थे अजू पाटिल, और अजू पाटिल ने आज लगभग उन सारे सवालों के उत्तर दे ही दिए जो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से पूरे वसई तालुका में घूम रही थी। तमाम तरह के सवाल, राशन पर राजनीति, व्यवस्था, मनपा की अब तक कार्यशैली, क्वारंटाइन की लेके व्यवस्था और सारी चीज़ों पर आज अजू पाटिल ने खुलकर जवाब दिया। एक बात और, विपक्ष या पक्ष, सवाल या जवाब, ये तो चलते रहेंगे, लेकिन इस समय ज़रूरत है जनता को, आम जनप्रतिनिधि की। सभी लोग मैदान पे उतरिए, जिनकी जो सक्षम है वो सबकी मदद करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।